हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई हो बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम अपने जो कबूतर थे हमारे जाल के अंदर, जो कि हमने नया जाल बनाया था, उस जाल में से आज पहले बार कबूतर बाहर निकालेंगे। तो देखते क्या रिएक्शन होता है कबूतरों का, क्या नहीं होता। मतलब बहुत दिनों से, मतलब 2-3 दिन तो हो ही गए होंगे कि मतलब कबूतर बहुत एक्साइटेड हो चुके हैं बाहर निकलने के लिए। ये देखिए, जो हमारे पुराने कबूतर है ना, मतलब इस पेटी वाले, तो ये वाले तो रोज ही मतलब खुलते थे कबूतर, लेकिन ये जो जाल वाले कबूतर है ये बिल्कुल भी नहीं खुले। सिर्फ एक दिन खुले थे, वो भी मतलब गलती से खुल गया था एक दो कबूतर, सिर्फ उसी के चक्कर में उस दिन ये निकले थे। नहीं तो अभी तक एक भी कबूतर इस जाल में से नहीं निकला है। तो आज इन सभी कबूतरों को जाल में से निकालेंगे और देखेंगे क्या रिएक्शन होता है इनका। अभी देखिए कितने ये एक्साइटेड हो रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, इसी जाल के अंदर इन्हें मतलब दाना पानी सब ओके की रिपोर्ट में दिया जाता था। और अभी जो है ये इन कबूतरों को खोलते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या रिएक्शन होता है इसका। तो सबसे पहले गेट वोट खोल लेते हैं। ये देखिए, जाली के ऊपर ऐसे ही रोज मतलब चढ़ते थे ये कबूतर बाहर निकलने के लिए। तो अब सबसे पहले कुंडी उंडी खोल लेते हैं इसकी, फिर दिखाते हैं आप सभी को। सही से खोल जाते। तो ये देखिए दोस्तों, सारे कबूतर मतलब आ चुके हैं बाहर। ये देखिए मतलब उड़ना भी स्टार्ट हो गया कोई को कबूतर। तो ये देखिए उड़ उड़ के जाल के ऊपर बैठ रहे हैं। तो देखिए ये मतलब कितने एक्साइटेड हुए थे, मतलब आज पहली बार ये कबूतर निकले ना जाल से। ये देखिए कोई कोई तो मतलब इसके ऊपर ही चढ़ जा रहे हैं। ये देखिए पहली बार जो है ये कबूतर मतलब इतना बाहर निकले हैं इससे। ये देखिए दोस्तों, मतलब कोई कोई कबूतर उड़ने की भी कोशिश कर रहा है और कोई कोई मतलब अपने दाना पानी में लग चुका है। और हमारे एक कबूतर की हालत देखिए दोस्तों, मतलब इसे कबूतरों ने मारा था। ये देखिए आप सभी को दिखा देता हूँ। ये देखिए हेलमेट बना दिया है इसका, सर का पूरा डिजाइनिंग मुर्गा कटिंग। तो आप सभी के कबूतरों को भी क्या मुर्गा कटिंग किसी कभी हुई है कमेंट में जरूर बताना। इसे मतलब कबूतरों ने मार मार के ऐसा सारा इसका कर दिया है, क्योंकि जाल के अंदर ये पहले बार कबूतर बंद हुए थे ना उसमें, तो इन्हें अपनी जगहों का ढूंढनी पड़ती है, मतलब कहाँ कौन बैठेगा कौन है। इसी के चक्कर में कबूतरों की लड़ाई हुई और लड़ाई होने के कारण इसकी ये दशा हो चुकी थी। ये देखिए अब सारे कबूतर ये पता क्या कर रहे हैं, मतलब ये सोच रहे हैं कि दाना वाना कब मिलेगा हमें, कब नहीं मिलेगा। ये देखिए कबूतर मतलब कोई कोई सही भी हो चुका है, गुटकना उटकना स्टार्ट हो चुका, क्योंकि काफी दिनों से ये उतरे नहीं थे ना, मतलब खुले नहीं थे जाल में से। आज ये खोले गए, एक दिन और खुले थे बस वो गलती से खुल गए थे आप सभी को, जैसे कि मैंने बताया है। बाकी अभी तक नहीं खुले हैं, आज खुल चुके हैं। और अभी दोस्तों हमें पता क्या करना है, जो हमारी ये छोटी पेटी है ना, छोटी पेटी को भी हटा देना है हमें, और जो फल की पेटी वगैरह होती है इन सभी को मतलब जो अपनी बड़ी वाली पेटी हो उसमें फिट कर देना है। एक दो पेटी लगेगी उसमें लगाने के लिए, वो भी पेटी हम का जुगाड़ कर रहे हैं, उनका भी मतलब जाएंगे अभी दुकान में जाएंगे फल की दुकानों में, उनसे पता करेंगे कि मतलब कि कबूतर की जो वो होती है फल की पेटी वो है कि नहीं है और कितने रुपए की देते हैं। पिछली बार तो हम 10-15 रुपए की पेटी लेकर आए थे, अब की बार पता नहीं कितने की देंगे, क्योंकि हर जो फल वाले होते हैं वो अलग अलग रेट बताते हैं। कोई कोई तो बहुत ज़्यादा बताता है, 50 रुपये तक की भी पेटी बताता है। तो अभी जो है हम मतलब वहाँ पे जाएंगे दुकान में, फिर उनसे पेटी वगैरह भी पूछेंगे कि है कि नहीं है, और होएगी तो फिर मतलब पेटी वगैरह लेकर भी आएंगे उनसे। फिर ये जो हमारी छोटी पेटी है इधर की, ये सारी पेटी हटा देंगे और छत एकदम खुली खुली लगेगी। अभी जो है ना कबूतर मतलब बहुत दिनों से जाल के अंदर था तो अंदर ही बोर होता था, वो खूब बोर होता था, मतलब कबूतर वबूतर हमने ऐसे बाहर ही जो अपने दूसरी पेटी के कबूतर है ना इन्हें निकालते थे। तो जो जाल वाले कबूतर थे वो बहुत ही अंदर से बोर होते थे, सिर्फ जालों में मतलब इधर से उधर लटके रहते थे। कभी कभी तो जब बाहर दाना मारते थे हम खिलाने के लिए, तो कोई को कबूतर जाली के इसमें लटक जाते थे पंजों से, उनके जो पंजे होते ना उसमें फंस जाते थे। तो कुछ कारण ये भी हुआ था जाल से कबूतर काफ़ी दिनों से नहीं खोले थे। तो बाकी गाइस अभी इनके लिए हमें जो सीक्यू वगैरह होता है ना, जिससे कबूतर को अपना घोंसला वोसला बनाते हैं अंडे रखने के लिए, ये भी लेकर आनी है, क्योंकि अब कबूतर सारे ब्रीडिंग करने लग गए, सारे कबूतर मतलब जोड़ ओड़ खा के आराम से अंडे रखने वाले हैं। तो ये इधर उधर से मतलब सीक वगैरह, जो नीम की सीक वगैरह होती है, फिर घास वास ये सारे इधर से उधर ढूंढने
ढूंढते तो छत तो हमने साफ ऑफ कर दी थी, इसके कारण एक भी सीप वगैरह कुछ भी नहीं है। जो इनके लॉफ्ट है सारे के सारे सिर्फ बीट से और वैसे ही आलतू फालतू कूड़े से ही थोड़ा सा हुआ पड़ा है सही, तो इसी कारण मतलब वो भी लेकर आना है अभी सीख वगैरह। ये देखिए मतलब कबूतर अब मीट ब्रीडिंग वगैरह सारी करने लग गए। ये देखिए एक कबूतर देखे वहाँ पे बैग के पास ही फंस गया था अभी। ये देखिए जो हमारा कल्चर का जोड़ पहले बिल्कुल भी ब्रीडिंग नहीं करता था, अब वो भी पूरी ब्रीडिंग करने लग जाता है। पता कैसे अभी देखो वीडियो में ही दिखेगा आप सभी को। पहले ये सिर्फ किस किस करते थे मतलब चोचन चोच करते थे और कबूतरी जब झुकती थी ना तो कबूतर इसके ऊपर चढ़ता नहीं था, सिर्फ ऐसी चक्कर गोल गोल काटता था और फिर भाग जाता था, अचानक से ही मस्ताने लग जाता था। अब देखें मतलब पूरी की पूरी ब्रीडिंग करते हैं कबूतर और जल्द से जल्द ये भी अंडे पर आ जाएंगे। और गाइस अगर इनके बच्चे निकल गए ना तो मैं आप सभी को बताऊँ तो बहुत ही बिकट के बच्चे निकलेंगे इनके कल से। अपने छत में से ये एक दो कबूतर मतलब वो है कि मतलब इनके बच्चे निकल गए तो इनके बच्चे काफ़ी अच्छे होंगे। बाकी देखिए सारे कबूतर मतलब इधर से उधर गुटक भी रहे और ब्रीडिंग वगैरह भी चल रही इनकी। ये देखिए दोस्तों एक कबूतरे पे तीन तीन कबूतर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और हाँ दोस्तों अभी मतलब सर्दी चल रही है ना तो सर्दी चलने के कारण जो हमारा दाना पानी होता है इसको भी चेंज करना होता है, तो मैंने भी अपना गर्म दाना बनाया है। तो दाना आप सभी को अगर गर्म नहीं बनाना आता तो कमेंट कर देना, गर्म दाना भी बनाना सिखा देंगे। और अभी हमने इनके लिए ना गर्म पानी भी बनाया जो कि कल ही बनाया था और कल भी पिलाया था इन्हें और आज भी पिलाया था। देखो आप सभी को दिखा देता हूँ, ये देखिए ये जो पानी है ना पानी देखिए काला काला हुआ पड़ा है और इसमें ये पानी भी बिल्कुल काला काला हो चुका है क्योंकि ये हमने गर्म पानी बनाया दोस्तों। इसके कारण क्या कबूतर पीते होते हैं ना तो फूल गर्म हो जाते हैं। अभी देखिए जैसे कि सारे कबूतर इधर से उधर हुई रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, आज की वीडियो कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो में नए हैं तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।